नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा हाल ही की लिस्टिंग कंपनी IQ लाइटनिंग के बारे में। आज ये स्टॉक 8% की शानदार तेजी में दिख रहा है आपको। लिस्टिंग 37% के प्रीमियम के साथ हुई, 41% स्टॉक भागकर बंद हुआ और आज 8% की तेजी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इस स्टॉक के IPO से इस स्टॉक में अराउंड 55% की तेजी बन गई है। अब निवेशकों का एक सवाल है, क्या भैया यहां भी खरीद लें या अभी वेट करें? देखिए वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा हो गया है, बहुत भाग गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन IPO आया था उस दिन भी मैंने कहा था कि इस स्टॉक में 500 रुपए तक की जर्नी आ सकती है। कैश मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी लें, अगर आप बड़ी क्वांटिटी ले लोगे ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। वही व्यू अभी भी सेम टू सेम है, 409 का ओपन, 408 का लो, यानी कि जहां खुला आज वही ऑलमोस्ट लो रहा। बाजार ऐसे गया, स्टॉक ऐसे जा रहा है, तो बाजार से अभी अलग विपरीत ट्रेड कर रहा है। बढ़िया ट्रेडिंग देखने को मिल रही है शुरुआती एक घंटे में, इनफैक्ट एक नहीं दो घंटे होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड होने वाले हैं, 1 करोड़ शेयर्स। फ्राइडे जिस दिन लिस्टिंग थी उस दिन भी मैं आपको बताना चाहूंगा 3-3.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे और आज तो शुरुआती में ही 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए, यानी कि आज ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं लोग इसमें खरीद बेच। लोगों को सबको समझ में आ गया कि यार ये स्टॉक खरीदना चाहिए, वो खरीद रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये स्टॉक यहां से 3% नीचे चला जाए, 3%, एक नहीं 3 कहूंगा, क्योंकि ये नया हाई बीटा स्टॉक है इस समय, हाई बीटा इस समय है और वैसे नहीं, और स्टॉक 438 वाला 425 के करीब आ जाए तो इसके वॉल्यूम्स इंस्टेंटली आपको डबल होते हुए दिखेंगे, जो भी होंगे उस समय उसके सामने। क्योंकि जिन्होंने IPO में लिया है, रोका हुआ है अभी तक, जिन्होंने फ्राइडे को लिया लिस्टिंग वाले डे, जिन्होंने आज खरीदा, वो तुरंत बेचेंगे कि बस दैट्स ऑल, प्रॉफिट बुक एग्जिट प्रॉफिट। क्योंकि ये फोमो हो जाता है, क्या होता है कि भाग रहा है सब ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई नहीं कि सबने बेचा माल, और उस माल बेचने के चक्कर में क्या होगा, सबका सेलिंग देखने को मिलेगी, स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा आपके लिए, ये आपको देखने को मिलेगा क्लियरली। तो मैं आपसे अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 438 8% ऊपर है शेयर, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग है। इंट्राडे बेसिस की बात करें या फिर दो दिन की बात करें, दो ही दिन हुए स्टॉक को भी, तो आप अपने जो भी आपकी खरीद है, जो भी एक्स अमाउंट, मुझे नहीं पता क्या है, IPO से है अभी लिया है, अपने शेयर में SL रखें। पोजिशनली ये स्टॉक 500 तक जाने की दम रखता है, उसके पीछे का रीजन है कि भैया मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा मार्जिन गैप छोड़ दिया वैल्यूएशन वाइज बाकी के पीयर कंपनीज के सामने, और कंपनी अच्छी कर रही है, कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, जो पीयर कंपैरिजन है इसका, उसके मार्जिन बहुत कम है, जिसके सामने ये स्टॉक बहुत अच्छा दिखता है। तो इसीलिए आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, 3,500 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है कंपनी का और 438 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 442 का आज का हाई है, 438 पे ट्रेड कर रहा है, बने रहे, बट एक ट्रेलिंग SL जरूर रखें अगर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है तो। आपका व्यू ये दया नहीं, मतलब 4-5 साल के लिए आया हूँ इस शेयर में, लंबे समय के लिए मैं कंपनी को लेकर ही बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, वो आपका मत, आपका व्यू होगा अलग है वो बात, लेकिन अगर आपको 2% नीचे गिरते ही बेचने का डर लगता है तो आप बेच देना, ऐसा नहीं कि आप रोके रहो। तो मेरे हिसाब से आपका ट्रेलिंग SL होना चाहिए 425 का, अभी के हिसाब से 12 रुपए नीचे, 437 पे आ चुका है समय स्टॉक, 425 12 रुपए नीचे स्टॉक में आप ट्रेलिंग SL लगाएं, जैसे जैसे ऊपर जाता जाए शेयर अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चलें और बने रहे। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट कि भैया हम फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या अभी भी ले सकते हैं? देखिए वैसे तो स्टॉक में आई थिंक जो अपर सर्किट है वो 20% का है और इस समय बायर्स ज्यादा है, 823,000 क्वांटिटी बायर्स में पड़ी है और 707,000 क्वांटिटी सेलिंग में पड़ी है, ये आपका NSE का डाटा शो कर रहा है करंटली। जितने ज्यादा बायर्स होते हैं दैट मींस स्टॉक को लेकर व्यू पॉजिटिव है, बट ये मूड माहौल जैसा कि मैंने अभी कहा तुरंत बदल जाएगा अगर थोड़ी सी डिप भी आई तो वो डिप नहीं बर्दाश्त कर पाएगा ये स्टॉक बिल्कुल भी। तो फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़ा देर हो गई है, स्टॉक नो डाउट ऊपर जा सकता है बट आपका नहीं बनेगा। आप ये कर सकते हो कि 2 ट्रांचेस में ले लो, फॉर एन एग्जाम्पल आपको 100 शेयर्स खरीदने, 50 खरीद लो, 50 400 रुपए तक अगर आ जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं खरीदूंगा ही नहीं। तो अगर आएगा गिरेगा तो एक तो आपका माइंडसेट रहेगा कि यार गिरावट मुझे लेना है, ऐसा नहीं 420 पे ले लिया कि यार इससे ज्यादा क्या गिरेगा, नहीं आएगा तो 400 पे लूंगा, अदरवाइज मैं लूंगा ही नहीं, ऊपर चला जाए तो ठीक है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, 50 में ही फायदा है। तो आप 2 ट्रांचेस में ले लो, फिर आप 450 रुपए का टारगेट रख लो या फिर आप अवॉइड कर दो गिरावट लेने के मौके ढूंढो। आज के सर्किट की बात करें तो 484 का इसका अपर सर्किट है आज के लिए और 323 का लोअर है जो अभी दूर दूर तक नहीं दिखता है, अपर सर्किट की तरफ ही जा रहा है ये स्टॉक धीरे धीरे।
स्टॉक की बात करें, जैसे कि मैंने कहा 3 करोड़ शेयर्स परसों ट्रेड हुए थे, 1 करोड़ डिलीवरी हुई थी, अभी 1 करोड़ ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं। लेट्स सी कितने ट्रेड होते हैं। 440 लग गया स्टॉक में, डेज हाई पे आ चुका है, तो स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। डेफिनेटली अभी आप होल्ड करें ट्रेलिंग के साथ, फ्रेश एंट्री के लिए मिलता है थोड़ी सी देर है। एक अपडेट देना चाहूंगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो, कल मैंने एक स्टॉक शेयर करा था जिसमें बहुत बड़े ऑर्डर मिले थे। पूरी कंपनी का मार्केट कैप है 1400 करोड़, कंपनी को जो ऑर्डर मिले थे वो मिले थे 1134 करोड़ के, तो ऑलमोस्ट जो पूरे मार्केट कैप है उसके सामने 80% के तो ऑर्डर मिल गए। तो मैंने स्टॉक डिस्कस करा था, स्किपर लिमिटेड नाम था। काफी कमेंट आए थे, भाई हमें मिल नहीं रहा है, प्लीज स्पेल आउट कर दीजिए, स्पेलिंग दे दी। मैंने दी नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं दी थी। मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि ये बंदा इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये कल खरीद लेगा यार, खुलते ही खरीद लेगा, और मैं नहीं चाहता। अब देखिए स्टॉक 15% भागा यार, लेकिन मैंने नहीं देखे कोई गलती नहीं करी, पता है क्यों? क्योंकि स्टॉक खुला ही गैप अप, इस तरीके के शेयर्स गैप अप खुलते हैं। वो वीडियो उनके लिए थी जिनके पास ऑलरेडी है, बेचे ना 160 खुला, 164-162 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपका पैसा तब भी नहीं बनता, लेकिन यहां से नीचे आया थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग तो आप लॉस हो जाता, इसलिए नाम नहीं दिया था। अभी स्किपर की मैं स्पेलिंग बताता हूँ, SKIPPER, आप चेक कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।